खालसे के प्रंत दिवस में मनाते हैं। प्यारे डॉक्टर राजवंत सिंह जी सामने बैठे ने, इन्होंने सारिया गुरु घर कमेटिया प्रबंधकों संगत लैके कन्वेंशन सेंटर वड्डा समारोह बहुत दूरों दूरों हजारा संगत ने आनंद मानिया शिरकत की हाजियां लाइया उसिया ने इन्होंने आख्या भावें आनंदपुर साहब विशेष दीवान चल रहे सन वो सेम वीक सर इन्होंने क्या भावें एक घंटे लिए इंडिया तो आके उस वे वापस चले जाओ फिर उसने काम होया रात आए और सवेरे एक घंटा डेढ़ घंटा दीवान कन्वेंशन सेंटर किया वापस इंडिया गए दीवाना आनंदपुर साहब ते उथे भी ते इथे भी ये जकारे वाला जो शब्द पढ़िया गया बुरे सुनहार सत श्री अकाल विशेषता की सी स्पिरिट दे नाल असी अपने शहीदां नूं सिंघां नूं इतिहास नूं कलगी तर सच्चे पातशाह जी नूं चाली साहिबजादियां मां गुजरी नूं खालसे नूं उन्हां दे प्रगट दिवस नूं सलूट करदे आं समर्पण होके बोले सुनहाल दे जकारे जदों बुलाए सत श्री अकाल नाल सारा पंडाल आकाश गूंज उठे और उच्ची बाह करके स्पिरिट दे नाल वो जकारे बुलाए उच्ची आवाज उच्ची बाह का मतलब है गुरु नूं बाह पकड़ानी बाहां पकड़ कट लिया मालक है साडे बच्चों की बाह पकड़ इस भावना नाल उच्ची बाह करके और उच्ची सुर में सत श्री अकाल बोले आओ एक बार याद कर लिए अपनी अरबाइतों दो मिनट सारे एक पावन पंक्तियां पढ़ते हैं ना डर मार सो जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो पढ़ते हुए जदों बोले सुनहार बोलिए सत श्री अकाल उच्ची और उच्ची बांह कर दी सारे ढिली जी बांह है उच्ची बांह कर दी जवाब दे Thank you.
ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੋ ਜਕਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਕਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ Hey,
है, गुरमत संगीत अकैडमी है,
और कीर्तन दीवान चलते ने, गुरु के लंगर चलते ने, तन का आत्मा का भोजन, मन का भोजन। दूसरे पास संसारक स्कूल है जितों सू संसार सूझबूझ प्राप्त होती है और स्कूल भी बड़े अच्छे लैवल तक ने कृपा करके बनाया है। टेंथ तक का स्कूल है, हम असं प्लस टू कर जा रहे हैं। CBSE नाल एफिलेटेड स्कूल है जिते इंग्लिश मीडियम है उत्थे पंजाबी तो पंजाब है आनी आनी है, गुरमुखी भी आनी है। उस विच डिविनिटी का जो सब्जेक्ट है हर बच्चे नूं श्री जपजी साहब का पाठ अते सिख हिस्टरी वो याद ही हो जाती है। सो आप जी जो भी उत्थों निकलो होके आओगे उत्थों की सेवा का बच्चों को शीशा देके आओगे मैं बहुत चंगा लगेगा। सो फुलां चुका की खिमा करना जी आओ आनंद साहब के पाठ का राम कली महला तीजा आनंद को कार सब सा आनंद प्यारे माई।